हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्टडी ब्राइट चैनल एंड मायसेल्फ आशीष श्रीवास्तव। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, सम फैक्ट्स रिलेटेड विद द जेईई मेंस। इन दिस I will tell you about the marking scheme and the pattern of the JEE mains. इसके पहले एक बात और भी इसमें बताना चाहेंगे कि JEE एडवांस की डेट डिक्लेयर हो गई है, दैट इज विल बी हेल्ड ऑन 3rd July 2022। जो मेन्स है पहले 2021 मीन्स लास्ट ईयर, वो 4 अटेम्प्ट्स हुए थे ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। अब ये 2 ही अटेम्प्ट होंगे जो कि मंथ ऑफ अप्रैल और मई, मतलब दोनों में होने हैं, अप्रैल और मई में। बट द डेट इज नॉट डिक्लेयर्ड, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च इट विल बी डिक्लेयर्ड और उसका रजिस्ट्रेशन भी नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एज यू नो एज यूजुअल द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स एंड देयर आर द 2 पेपर्स। एक तो आपका जो मेनली बीटेक के लिए होता है बी बीटेक, और दूसरा होता है बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग। तो मैं बात करने जा रहा हूँ बीटेक की, जो पेपर फर्स्ट है जो आप लोगों को देना है, स्पेशली जो पीसीएम, बाकी तो बच्चे कोई भी ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, बट दोज आर ऑप्टिंग फॉर द बीटेक। सो द पैटर्न जो होता है इसका, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, उसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो देयर विल बी द 75 इन 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिनमें 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स होंगे। लेकिन इसमें एक खास बात है, जो 25 क्वेश्चन है उनमें हम जो 25 कह रहे हैं ये एक्चुअल में 30 होते हैं। कैसे 30 होते हैं? 20 क्वेश्चन तो MCQ टाइप्स, यानी कि जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 4 ऑप्शंस, और उसमें आपको करना है कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, जो दैट इज वेरी करेक्ट तो उसे आपको टिक करना है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाते हैं जो 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके पास 10 मोर क्वेश्चंस होते हैं, 10 और होंगे, उनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5, बट दीज आर नॉट द मल्टीपल चॉइस, द ऑप्शन विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, जो 20 क्वेश्चन आपने किए हैं, अब यदि आप इसको करते हैं जो 10 क्वेश्चंस होंगे उनमें 5 क्वेश्चंस को करना है, यानी आपको कई साल करना पड़ेगा, एंड देन द करेक्ट आंसर यू हैव टू राइट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द क्वेश्चन एज द न्यूमेरिकल वैल्यूज। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी उसमें। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एनी क्वेश्चन द आंसर इज कमिंग 5, मे कम -2, मे कम 3, और मे कम 3.28, मे कम 3.8, मतलब डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं और ओनली इंटीजर भी हो सकते हैं। बट यू व्हेन यू सॉल्व देन शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही सही होना चाहिए, साथ में उसका जो कॉन्सेप्ट, अगर किसी क्वेश्चन का मतलब उसके टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर पाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से,
इन सब में जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, मींस यू हैव टू राइट द आंसर। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस तो आपके 4-4 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन आपके 4-4 टोटल जो होगा 300 मार्क्स का होगा, यानी 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। बट 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू होंगे देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको अगर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर पे मिल रहा है किसी एक क्वेश्चन के तो -1 होगा रॉन्ग आंसर पे। तो इसका बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि इसी में मार्क्स कट जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 मार्क्स तो उस क्वेश्चन के ही चले गए, प्लस -1 और चले गए, यानी कि आपके टोटल 5 मार्क्स गए एक क्वेश्चन को गलत करने में। दैट इज नोन एज द नेगेटिव मार्किंग, यानी 25% आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन गलत ना हो, भले ही आप पास कर दीजिए, पास मीन्स कि आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलते हैं, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, जो 10 क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें आपको खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर लिखना है, वो एमसीक्यू में नहीं होगा, तो वो आपको लेना पड़ेगा। उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि उसमें आप आंसर लिखिए, अगर रॉन्ग होता है तो यू विल गेट 0, नॉट -1, उसमें -1 नहीं होगा। तो जो 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 10 में से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओनली द +4 इफ यू आर राइटिंग द करेक्ट आंसर। सो ये था आपका पैटर्न ऑफ मार्किंग स्कीम। टोटल 300 मार्क्स का है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, JEE Mains। थैंक यू।